कनीना के एसडीएम संदीप सिंह को निलंबित करने पर महेंद्रगढ़ क्षेत्र के लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। इस विषय में रिटायर्ड सूबेदार केदारमल आर्य ने मीडिया को बताते हुए कहा कि आज कुछ लोग दुर्घटना को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, लेकिन यह तो बस एक अफवाह चुगली फैलाने वाली बात हो गई है। अगर नेताजी कोई मुख्य स्तर की कार्रवाई कर रहे थे तो उनकी छुट्टी को रद्द करके उन्हें वापस भी बुला सकते थे, जिसके कारण आज यह बेवकूफी कहानी नहीं बनती। उन्होंने कहा कि नेताजी को एसडीएम संदीप सिंह से कुछ काम था। बताया गया कि एसडीएम कनीना छुट्टी पर हैं, जिसके कारण एसडीएम से खफा और नेताजी की चापलूसी करने वालों ने एसडीएम पूर्व मंत्री का बेटा है जैसी बातें कहकर फटाफट आग उगल दी। इससे मंत्री जी को फुल फीडबैक मिला तथा उत्तेजित हो उठे। उन्होंने कहा कि एसडीएम संदीप सिंह वर्ष 2000 में महेंद्रगढ़ के एसडीएम थे, तब से वे उन्हें जानते हैं। एसडीएम संदीप सिंह मेहनती, चित्रवान, सदाचारी और वे देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महाराणा प्रताप की नीतियों से ओतप्रोत हैं। जी, मैं आप लोगों के सामने भूतपूर्व सूबेदार केदारमल आर्य, विलेज सुरेश जाखल, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से आप लोगों को जो ये अभी नई घटना कनीना के एसडीएम संदीप सिंह के साथ हुई है, उसका पब्लिक के अंदर कितना रोष पैदा कर दिया है। एक हिंदुस्तान के 6,622 HES, IPS, IAS अधिकारियों के अंदर संदीप जैसा अधिकारी बहुत कम मिलेंगे, 2% मिलेंगे। उस आदमी के साथ इतना बड़ा अन्याय, ये बहुत ही जानबूझ करके जलन की वजह से चाटुकार, चुगलखोर, चमचू ने किया है। मेरे को ऐसा लगता है कि मंत्री जी को भी इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, उनको भड़काया गया है। नहीं तो वो छुट्टी पर था, डीसी साहब ने बता दिया छुट्टी पर है, उसके बाद में उसके बाप के बारे में क्यों पूछना। लेकिन उसको कमीज पकड़ करके हिलाया होगा कि ये तो मंत्री का बेटा है, ये तो बड़ा प्राउडी है, ये कोई मीटिंग अटेंड नहीं करता। उसको ट्रिगर किया गया है, उसको भड़काया गया है, तब उसने अपनी अभद्र भाषा का प्रयोग करके बोल दिया तो उसका काम क्या उसका बाप करेगा। ये सरासर गलत बात है। वो तो एक ऐसे अफसर है, ये तो अगर मेरे जैसे किसान को भी कोई कहेगा तो उसको भी गुस्सा आएगा। ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अभी भलाई इसी में है, ये देश ठीक लाइन पर है, अभी कोई गड़बड़ नहीं है। मोदी अच्छा है, योगी अच्छा है, खट्टर अच्छा है, काम ठीक चल रहा है, और संदीप जैसे अधिकारी अगर इनको मिल गए तो ये देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर ये चमचे, चुगलीखोर और बदमाश, भ्रष्टाचारी, पुराने राजनीतिक नेता जिन्होंने 20-20 पार्टियां तोड़ दी, बना दी, उनसे आशा करेंगे तो ये इनकी समझदारी नहीं होगी। इसलिए मेरा एक बूढ़े सैनिक का कहना यही है कि मंत्री जी को भी सोच समझ करके एक बार उनको बोल देना चाहिए, भाई संदीप तू छोटा है, मैं बड़ा हूँ, स्लिप ऑफ दी टंग हो गई, कोई बात नहीं, और इस मुकदमे को ख़त्म करो, ना कोर्ट कचहरियों में ना कहीं जाने से किसी को कुछ नहीं मिलना है। ये तो दोनों झूठे हैं, एक तो मंत्री है, एक अफसर है, पब्लिक का काम खुंड रहा है, पब्लिक को नुकसान हो रहा है, इससे देश को बहुत घाटा हो रहा है। ऐसी हल्की एक्टिविटीज बड़े लोगों को नहीं करनी चाहिए। इतनी बात कह के मैं फिर से कहता हूँ क्या आप लोगों को परमात्मा सद्बुद्धि दे और देश को ठीक चलाने की हिम्मत दे। जय हिंद।